शमीम भाई, मुमरा बाईपास, रशीद कंपाउंड अंडरपास पर 25 मई को दुर्घटना हुई थी। पहले एक व्यक्ति की मौत हुई, फिर दूसरे व्यक्ति की अस्पताल के दौरान मौत हुई, मगर अभी तक उस दुर्घटना स्थल को वैसे के वैसे एमएमआरडीए ने छोड़ा है, एसएमसी कंपनी ने छोड़ा है, और आपकी पार्टी की तरफ से उस पर कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी, उसको भी कोई घास नहीं डाली है एमएमआरडीए ने और कंपनी ने। तो अब अगला कदम क्या रहेगा आपका, एनसीपी शरद पवार गुट का? जिस बाईपास को आप बाईपास कहते हैं उसे शमीम खान खूनी बाईपास कहता है, और इस खूनी बाईपास ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। बहुत सारे ऐसे भी हादसे हुए हैं इस हादसे के पहले कि कंटेनर जा रहा है, बाइक आई घुस गई, वो दो बच्चे मर गए। सुरक्षा दीवार बैरिकेडिंग वाल नहीं थी। मैं मेरे कार्यकाल के बाद बताऊं आपके माध्यम से, आप तमाम पत्रकार भाई लोग इसकी विटनेस है, कि मैं जब समाजवादी पार्टी में था अनवर भाई, जब से लेकर के मैं मुमरा बाईपास के, मैं मतलब हम सब साथी मिलकर के हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी से लेकर के हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट का ऐलान करके और कई बार वहां पे जन आक्रोश आंदोलन भी किए हैं, इसकी गवाह आप खुद पत्रकार भाई लोग हैं। उसके बाद आगे के हिस्से में बैरिकेडिंग वाल बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाई गई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन ये जो हादसा हुआ ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये एमएमआरडीए की ये पूरी फेलियर है। ये कंपनी जो एसएम, ये जो कंपनी है एसएमसी कंपनी जो है, ये फेलियर कंपनी है। हम लोगों ने देखिए, इसके पहले जो हादसा हुआ था रशीद कंपाउंड के नाके पे, वहां पे हमारे वहां के कारपोरेटर्स रेहान भाई, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब खुद वहां का विजिट किए, हम लोगों ने विजिट किया, अवार साहब ने खुद जाकर के वहां पे ऐलान किए थे कि, और उन्होंने कहा भी था कि जल्द से जल्द ये काम चालू कर दिया जाए, जैसे कि दूसरा कोई दुर्घटना यहाँ ना हो। मैं उस वक्त हज पे भी था, लेकिन अब तक इनके कान में जू नहीं लगा। तो मुझे ये समझ में अभी आ गया है कि कहीं ना कहीं बाईपास को लेकर के एक जन आक्रोश आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने एक खत कलेक्टर साहब को भी दिया है शुभ भाई, और हमने एक खत एमएमआरडीए को भी दिया है, लेकिन अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो टोल नाका है, टोल नाके के पास जहां दुर्घटना हुई थी, जहां पे एक जाहिद भाई का इंतकाल हुआ था, एक लाल मोहम्मद भाई का इंतकाल हुआ था इस दुर्घटना के अंदर, अल्लाह का एहसान है कि वो जब गाड़ी नीचे आई थी तो वहां पे आवाम और नहीं थी, नहीं तो शायद सैकड़ों लोगों की जान रफी भाई वहां चली गई होती, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि लोग बच गए। आगे कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कलेक्टर साहब से, हमारे जो थाना जिला के कलेक्टर साहब हैं, उसके बाद एमएमआरडीए से और एसएमसी कंपनी से ये मांग करता हूं कि आप लोग अगर आज मंडे है, ट्यूजडे वेडनेसडे तक उस पे वर्क कुछ स्टार्ट नहीं किया या हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो थर्सडे को हम लोग जो बाईपास का जो रास्ता जाता है नासिक और गुजरात को निकलता है, उस रास्ते को रोकेंगे, वहां पे हम लोग जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैयद असरफ भाई साहब, शानू भाई, रेहान भाई, इन सब के नेतृत्व में इनके मिलकर के हम लोग वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर वहां पे किसी बात का कोई नुकसान होता है, कोई किसी को आने जाने में लेट सवेर होता है, तो उसकी जिम्मेदार ये एमएमआरडीए होगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि शहर के लोग, मुमरा कोसा बल्कि रशीद कंपाउंड ही नहीं, मैं मुमरा की आवाम से ये अपील करता हूं, आए हम लोग मिल करके थर्सडे को 18 जुलाई को मुमरा बाईपास पे हम लोग टोल नाके पे इकट्ठा हो, और वहां पे आकर के हम लोग रास्ते को बंद करें और वहां पे जन आक्रोश आंदोलन करें। ये मैं अपने शहर के लोगों से और रशीद कंपाउंड के लोगों से, खास करके वहां के जो मुकामी नगर सेवक हैं, मैं उनसे, उन तमाम लोगों से, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये मसला हम सब का है। ये जो लोग मर गए, जब मैं इनके घर पे गया था तो मुझे आज भी याद है, इनकी इस फैमिली को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का चेक दिया था, हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 50,000 का चेक हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद असरफ भाई साहब ने दिया था, लेकिन उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता, जो मासूम बच्चे थे ना उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता।
तो आए हम सब मिलकर के मुकाबला करें और इनको मजबूर करें कि आपको काम चालू करना पड़ेगा, बैरिकेटिंग वाल, सुरक्षा दीवार बनानी पड़ेगी। यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।